तो गाइस वेलकम टू म्यूटा एट। तो आज मैं जंगल में इधर उधर घूम रहा था तो मेरे पास खाने की जो है कमी पड़ गई। तो मैंने सोचा कि खाना बनाने के लिए हम एक फार्म बनाते हैं, क्योंकि उससे हमें खाना तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना हमें बार बार उगाने की ज़रूरत पड़ेगी, समझे। हम ऑटोमेटिक फार्म बनाने वाले, तो मैंने सोचा यूट्यूब पर भी डाल दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक 7x7 का एक स्क्वायर बना लो, मैं बना के दिखाता हूँ। फिर इसको फिल कर दो। तो इसके सामने आपको 10 ब्लॉक स्टिक कर लेने हैं, बिल्कुल मेरी तरह देखिए। फिर यहाँ पे आपको 10 ब्लॉक स्टिक करने के बाद यहाँ पे 2 ब्लॉक स्टिक करने हैं, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट आएगा। उसके बाद आपको चेस्ट को हाथ में लेना है और यहाँ पे 2 चेस्ट लगानी है, लार्ज चेस्ट बना दो इसे। फिर आपको यहाँ पे हॉपर को चेस्ट से कनेक्ट करना है, सिट करके चेस्ट पे दबा दीजिए तो कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया। फिर आपको सारे हॉपर एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं, बिल्कुल इस तरह। कनेक्ट करने के बाद आपको लास्ट हॉपर भी कनेक्ट कर देना है। ये ऐसे नहीं करना जैसे अभी मैंने किया, हॉपर में दबा के करना है बिल्कुल, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद फिर आपको बिल्ड के बैक में आना है और इसे एक और ब्लॉक ऊपर उठाना है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाइए, ब्लॉक लगाने के बाद इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाइए, इसके नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दीजिए और फिर आपको दोबारा ऐसे 7x7 बनाना है। मैं बना के मिलता हूँ। तो जब तक मैं अभी 7x7 को बना रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक और 7x7 बनाना है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा के नीचे तोड़ दीजिए और दोबारा एक 7x7 बनाइए, बिल्कुल इसी तरह। मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपको फार्म के नीचे जाना है, तो आप नीचे पहुँचिए। नीचे पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको 10 ब्लॉक लगाने हैं। यहाँ पे लगाते जाइए ऊपर के आगे, चेस्ट पर मत लगाइए क्योंकि चेस्ट खोलेंगे, वहाँ से चेस्ट के इस वाली साइड लगा दीजिए। उसके बाद आपको इस लेफ्ट हैंड साइड जाना है, या इसे एक और ब्लॉक एक्सटेंड करके इसे ऊपर उठा दीजिए। ऊपर उठाने के बाद इसको बिल्कुल फार्म की एक कवरिंग की तरह बनाइए, देखिए बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपको इसे इस पीछे की तरफ लेके जाना है। फिर आपको ये जो अभी सेम प्रोसेस अभी हमने करी थी, ये सेम प्रोसेस आपको अभी लेफ्ट की तरफ दूसरी साइड से भी करनी है। तो मैं करने के बाद मिलता हूँ। उसके बाद आपको डिस्पेंसर लगाने हैं, एक डिस्पेंसर 2 ब्लॉक छोड़ के एक और 2 ब्लॉक छोड़ के एक और। एक डिस्पेंसर यहाँ पे लगाइए, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे लगाइए। और इसके अंदर आपको वाटर बकेट डालनी है। उससे पहले आप यहाँ पे एक रेड स्टोन लगा सकते हैं। रेड स्टोन हमने लगा लिया, वाटर बकेट मैंने डाल दी थी वीडियो बंद करके। रेड स्टोन लगाने के बाद उसके बाद आपको फार्म के नीचे जाना है। इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको एक लगाना, अरे रेड स्टोन लग गया, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक बटन, तो वह बटन निकाल लीजिए अपनी इन्वेंटरी में से। भी बटन लिखिए, अरे यार मेरी टाइपिंग बहुत गलत होती है। बटन लेने के बाद आप कोई सा भी बटन ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ बिट्स बटन। बिट्स बटन को आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको जहाँ से ऊपर की तरफ उठता है फार्म, वहाँ पे आपको 6 ब्लॉक लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और लगा दी। और उसके बाद आपको दूसरी वाली साइड भी 6 ब्लॉक्स लगाने हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट वाली साइड में भी 6 ब्लॉक्स लगाने हैं, 5 और ये 6। और फिर आपको इसे ऊपर की तरफ बढ़ाना है, इसे एक और बार इधर ब्लॉक लगा के फिर इसे इधर लेके एक और बार दबाना है और इसे ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। और फिर आपको इसे दोबारा एक कवरिंग सी करनी है और इसे ऐसा करना है कि इसमें से पानी बह के जा सके। उसके बाद आपको सारा स्पेस भर देना है, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्योंकि इससे क्रॉप्स भी गीले नहीं होंगे और फार्म भी बकवास लगेगा एकदम। तो आपको सारे आउटर भर देने हैं। और जो मैं अभी कर रहा हूँ वो आपको लेफ्ट में भी करना है, वो आप कर लेना, वो मैं दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद आपको फार्म के ऊपर आना है और यहाँ पे एक ब्लॉक डिग करके यहाँ पे पानी डालना है। आपको जब पता चलेगा आपने सही करा है, जब ये पानी यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा। मैं देखते हैं मेरा आया है नहीं, मेरा नहीं आया है तो मतलब मेरे से कोई गलती हो गई है। देखो ये पानी बाहर बह रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं आता है या नहीं। अभी मैंने वो दिक्कत सही कर दी है, अब देखते हैं अब पानी आया है नहीं। तो आप देख सकते हैं अब मेरा आ गया है पानी, इसका मतलब मैंने एकदम सही करा है। आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
आप लेफ्ट वाली साइड भी उधर पानी डाल देना। उसके बाद आपको फार्म के नीचे आना है, चार ब्लॉक डिक करने और बटन के नीचे दो रेड स्टोन लगाने, ठीक है ऐसे। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको, फिर फार्म के पीछे आ जाना है और एक रेड स्टोन नीचे ऊपर लगाने, लेफ्ट वाली साइड ये नहीं करना। उसके बाद आपको पीछे से रेड स्टोन लगाना स्टार्ट करना है, आपको एंड तक लगा देना है जहाँ तक आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको हाइट की प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो आपको ज़मीन में एक ब्लॉक डिक करना है जिससे कि आप नीचे जाके रेड स्टोन लगा सकते हो। तो एक ब्लॉक डिक करना है और एंड तक डिक कर देना है क्योंकि हमें आगे तक रेड स्टोन लेके जाना है। फिर आपको रेड स्टोन टॉर्च निकालनी है इन्वेंट्री से, रेड स्टोन टॉर्च निकालने के बाद सिंपल टॉर्च निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे उजाला करना है वीडियो को दिखाने के लिए। तो फिर इसको रेड स्टोन को आप आगे कर सकते हो, आगे करना है आपको एंड तक, आगे करते हैं अभी इसे। तो आगे कर लिया मैंने, अभी लास्ट वाला ब्लॉक आपको तोड़ना है और यहाँ पर नीचे एक रेड स्टोन लगाना है। उसके बाद आपको माइनिंग करनी है थोड़ा यहाँ पर, तो ये ऊपर खुल जाएगा, तो इस ब्लॉक को दोबारा लगा दीजिए। तो आपको एक ब्लॉक नीचे खोदना है, नीचे खोदने के बाद आप अभी आगे तक माइन करते जाइए। आगे तक माइन करने के बाद आपको, आप देखोगे कि आपका रास्ता ऊपर तक खुल जाएगा। देखते हैं अभी मेरा खुलता है या नहीं। देखो मेरा रास्ता अभी ऊपर तक खुल चुका है। तो अभी आपको ऐसा करना है, यहाँ से रेड स्टोन नीचे की तरफ लेना है। अभी ठीक है, ऐसे मैं दिखाता हूँ, रेड स्टोन को यहाँ पर नीचे की तरफ ले लीजिए या आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं इधर अभी। और इसको आपको यहाँ पे दो ब्लॉक खोद के, ये जो आपने बटन के नीचे रेड स्टोन लगाए थे इसको आपको यहाँ पे मिला देना है और इसको दोबारा पीछे तक ले जाइए। और यहाँ पे आपको एक रिपीटर लगाना है, आप रिपीटर निकाल लीजिए अपनी इन्वेंटरी से। रिपीटर निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक रिपीटर लगाना है इस आयरन, इस स्मूथ स्टोन के नीचे, इस रेड स्टोन को तोड़ के। रिपीटर एक यहाँ और एक यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ। रिपीटर लगा दिया और बस ये आपका फार्म यहाँ पे बन चुका है। और आपको बस अभी ऊपर से और बाकी ये आप कवर कर सकते हो। अगर आपको डेकोरेशन से ज़्यादा लगाव है तो आप इसे कवर करने के बाद आप बस आपको ऊपर फार्मिंग थोड़ी सी करनी है, उसके बाद ही अपने आप प्रोसेस चलता रहेगा। तो चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो से इस मिट्टी को सही कर लेना है और आपको यहाँ पे क्रॉप्स उगा देनी है। ये क्रॉप्स अपने आप बड़ी होती रहेंगी, फिर आपको बस बटन दबाने की देरी है और ये अपने आप कट के आ जाएंगी और ये अपने आप उग भी जाएंगी। तो बस आप इस वीडियो में इतना ही था, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो बाय।